सोनू भाई सच में बताना, आपने जिंदगी में आज कनस्तर बजते देखे, पीपे बजते देखे, ऐसे आपने साज देखे कभी जिंदगी में? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहेंगे जिसमें आपकी निपुणता है? पर हम लोगों ने आज ये किया ना आपने कि सब स्पेशल लोगों को बुला के आपने कराया जी, तो आज हम भी एक बैंड बन जाते ना। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ना कौन सा गाना सुनेंगे आप? वो बजा क्या हीरो का? कैसे करा था उसने? ये ले लीजिए, ये ट्यून नहीं है, ये ले लो। जी 1 2 3 बैंड में एक होता ना बड़ा वाला बाजा जिसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ पेमेंट होती है, वो जो पिछले ना। थैंक यू सो मच, पर शुक्रिया मुकेश जी, आप आपने जो भी किया। थैंक यू मुकेश, शुक्रिया। अब ये जो मैं शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो सलमान खान साहब के बिल्कुल उल्ट है। जैसे सलमान खान अगर एक बार अपनी पैंट में से शर्ट निकाल के ऐसे उठा के फेंक दे तो कोई भी उनकी मर्जी के बिना उनको दोबारा डलवा नहीं सकता। ये जो शख्स हैं ये बिल्कुल उल्टे हैं। एक बार इन्होंने शर्ट अंदर डाल ली, आप निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए जिनका नाम है विनोद रक्षल। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर आपका। इनसे हाथ नहीं मिला, इनसे नाराज है। विनोद जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप, आपका ये जो यूनिक टैलेंट है ये तो एक है ही, पर उसके अलावा आप काम क्या करते हैं? सर मैं से पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर जैसे मसाज होता है वो करता हूँ। अच्छा, और योगा में कलर कोट हूँ, योगा सिखाता हूँ मैं। योगा सिखाते हैं? यस। तो वो दो काम जब इतने अच्छे चल रहे हैं तो ये उल्टा सा काम क्यों करना शुरू कर दिया आपने? मतलब सर ये सब मेरा एक अलग से टैग यूनिक है जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं करके। अच्छा, यस सर। तो मतलब आपका ये कहना कि आपकी शर्ट जो है yes, वो पेंट में से कोई निकाल ही नहीं सकता? नहीं सर, आपकी मर्जी के बिना। यस yes। वाओ, निखिल जी और सोनू जी आए हैं। हेलो मिस्टर। हेलो, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। एक्सक्यूज मी, May I check you? I'm very big fan of yours, so you can check me out. Hoi ho rabba, ye to pehle se hi ready hai. Oh, let me check. Oof, he's so hot. You know, because he's hot. Kya check kar rahi hai? Aise check karte bukhar, thermometer check karte. Oye, wo purani technology hai. मेरा डॉक्टर तो ना मेरे गले लग के मुझे बता देता है मुझे कितना बुखार हुआ है। आए हाय, सुनिए आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, आप भी कुछ टेस्ट वेस्ट करा लीजिए। क्या टेस्ट कराऊं जी? आप अपनी एक्टिंग टेस्ट करा लीजिए। हम पूरी की पूरी पिक्चर कर दी, आप अभी भी एक्टिंग टेस्ट कर रही हो? नहीं नहीं, हमने तो नहीं ना देखी। सुनिए, अब मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, आप समझ लीजिए कि ये आपके पापा हैं और मैं आपकी मम्मी हूँ। अब आप हमें इज्जत कीजिए कि आप दोनों शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए ना। पापा को मनाना पड़ेगा, मम्मी तो तैयार बैठी है। कहाँ कहाँ से आइडियाज आपके आते हैं? पापा जी और फैन हो गया। पापा जी हमारी मम्मी है, इनसे प्लीज शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए और शादी कर लीजिए प्लीज। बुआ देख, वो डॉक्टर साहब अपना टैलेंट दिखाने आए हैं। हाँ। वो बोल रहे हैं कि मेरी शर्ट को निकाल नहीं सकता, तो तू ही शुरू कर। आर यू रेडी गाइस? नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ। तू पहले डरा रही है। सोनू भाई आप शुरू करो प्लीज। हाँ, मैं आप पराए मर्द को हाथ नहीं लगा सकती, सुनिए आप खोलिए। पराए मर्द को हाथ नहीं, भी नहीं लगाता। नहीं बॉस, आठ आठ लोगों ने खींची शर्ट, आपने इस तरफ से फाड़ दी लेकिन अंदर से निकली, उस तरफ देख सकते हैं आप
ये नहीं नहीं आपकी पैनक्रियास के पास ये कौन सी लाइन है? वो शर्ट का कपड़ा फट गया लेकिन शर्ट निकली नहीं। शर्ट सर भाई शर्ट फट गई निकली भाई शर्ट। वो बॉडी बिल्डर ने कितना आपने जिम में आपने इतना पैसा लगाया। हाँ सही बात है, घर वालों का 5-6 लाख आपने वेस्ट कर दिया, शर्ट नहीं आपसे निकली। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पर आपने एक चीज नोटिस की कि खूबसूरत कि खूबसूरती आपके आसपास हो तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है, आप मानते हो इस बात को पाजी? बिल्कुल, आदमी जन्नत में क्यों जाता है? क्योंकि वहां अप्सराएं होती हैं। क्यों होती हैं कि नहीं होती? पर पाजी जन्नत में जाने की जरूरत नहीं, आपकी तो इधर ही जन्नत बनी हुई है, देखो सही है। पर पाजी एक चीज है, ये बड़ा फर्क पड़ता है, मैंने बड़ी बार नोटिस किया, आप अस्पताल में चले जाओ देखो जाके, आप अस्पताल में एक मरीज अगर दाखिल है तो सारी दवाइयां मिलके इतना असर नहीं करती जितना खूबसूरत नर्स असर कर देती है। डॉक्टर ये सही बात है, डॉक्टर दवाइयां लेके आता ना तो आदमी पहले और भी भयंकर मुंह बना रहता, कड़वी तो नहीं है। नर्स आती है उसके चाहे हाथ में इंजेक्शन, उससे पूछता भी नहीं, फटा अपने आप ही टेढ़ा आ जाता है। पंपी मुंह में ठोक दे, नर्स भी बोलती थोड़ा सा पेन होगा लगाइए। क्योंकि उसको सुई की तो टेंशन, सुई तक तो बात पहुंचती नहीं है, उसके पहले जो रुई से स्पिरिट से साफ नहीं करता वो उसी में एंजॉय कर रहा है, अपने मजे ले रहे लोग। अस्पताल छोड़ो, आप जहाज में चले जाओ, जब जहाज झटके लगते ना तो सबसे पहले आदमी पायलट को कोसता है, इसको चलाना नहीं आता, ये ठोकेगा किधर ना किधर जाके, बंपी पता नहीं लोगों को पायलट बना कौन देता है। तो तभी एयर होस्टेस बोलती ना, अब मौसम खराब होने की वजह से कृपया आप अपनी अपनी पेटी बांध लें, तो उसी आदमी का टेम्परमेंट एकदम चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं जी मौसम खराब साथ में मरेंगे। फ्लाइट अटेंडेंट आ जाए ना कभी गलती से, वैसे तो एयर होस्टेस खाना सर्व करती है, आदमी लेके आ जाए ना फ्लाइट अटेंडेंट उसको बड़ा घूरते हैं, क्या है ये? ये 10,000 रुपए की दिल्ली की टिकट लिया, तरी वाली भिंडी खाने के लिए ली है। तुम लोगों को तो लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, तुम लोगों को लाइसेंस देता कौन है? वही तरी वाली सब्जी अगर कोई एयर होस्टेस लेके आ जाए ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? सम तरी वाली भिंडी। ओह रियली, इट्स अमेजिंग, यू नो, you know, on the 35,000 feet in the clouds, we are having tari. This is amazing. आदमी बदल जाता है बाजी, ये खूबसूरती जो है असर दिखाती है अपना। प्लेन में तो चलो आप फिर भी आराम से बैठे हो, आप बस में चले सफर करो, अगर कोई खूबसूरत लड़की घुस जाए ना तो पहले 15 मिनट सवारियां भूल ही जाती हैं कि उनके पैर पे पैर चढ़े हुए किसी और के, बगल वाले से बदबू आ रही सब भूल जाता है। और अगर कहीं लड़की खूबसूरत किसी लड़के के पास आके बैठ जाए, वो कमीना शास्त्री नगर उतरना जाके वो अजमेरी गेट उतरता 400 आगे। स्कूल में जो टीचर सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है उसके सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, नंबर भी ज्यादा आते हैं। कि लेकिन कई बच्चे ना थोड़े उल्ट होते हैं, जैसे अपना दिनेश है ना गिटार वाला, ये भी, और ये अपने तबले वाला शेंटी, ये भी ऐसा ही है। इसकी मैथ वाली टीचर आती थी ना तो ये कोई सवाल याद करके नहीं जाता था, रोज थप्पड़ खाता था, ये जानबूझ के सवाल ही निकाल के जाता था कि मैडम आएगी थप्पड़ मारेगी इसी बहाने हाथ लगेगा। तो ये देख लो आप। थप्पड़ खा खा के कलाकार बन गया, अभी सारी फ्रस्ट्रेशन तबले पे निकाल रहा है। ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। पर वैसे भी बाजी सुंदर लड़कियां समाज का भला करती हैं। हाँ। सुबह उठ के जॉगिंग करने जाती है एक लड़की, उस चक्कर में 12-15 लड़के वैसे निकल जाते हैं, फिटनेस कॉन्शियस हो जाते हैं लड़के। तो छोड़ो 2-4 अंकल टाइप भी बेचारे जिन्होंने पार्क के 2 चक्कर काटने होते हैं, वो इस चक्कर में 4 काट जाते हैं। जिम चले जाओ आप, लड़के लड़कियों के चक्कर में ज्यादा जिम ज्वाइन करते हैं, उनको एक्सरसाइज की पढ़नी होती है, ये देखते हैं कि शीशे में कौन सी लड़की एक्सरसाइज कर रही है, ट्रेनर ने बोला भी कि डंबल उठा के यहां तक लेके जाना है, वो ऊपर लेके जाएंगे तो दिखेगी नहीं, यहीं तक रखते हैं सामने लड़की नजर आ रही है। 3-4 साल यहीं तक करते रहते, गलत मसल निकल आते बाहर, बॉडी पता नहीं कहां से क्या बन जाती, फिर यूं करके घूम रहे होते हैं। ये अपना गिटार वाला दिनेश, एक बार ट्रैफिक में फंसा हुआ था, गाड़ी लगा के ना, अच्छा ट्रैफिक में आप फंसे हो ना, अगर अगल बगल आपके रेडियां और ये वो स्कूटर पैं पैं चीजी तो टाइम पास नहीं होता, अगल बगल में कोई गाड़ी आ जाए अच्छी या पीछे आ जाए तो आदमी खुश हो जाता है, ये गाड़ी चला रहा है पीछे एक लड़की आ गई खूबसूरत, बैक मिरर से देख रहा है उसको, वो भी स्माइल कर रही, इसने भी कर दिया, उसने बाद में हाथ हिलाया, इसने भी हिला दिया, 2-3 बार हाथ हिलाया, ये हिलाता रहा, वो उतर के बाहर आ गया, अंधा है ये, लाइट इससे ज्यादा हरी नहीं होगी आगे मर जाके। कहने का मतलब कि आदमी का नेचर चेंज हो जाता है भाजी। मैं यही बात अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप सपोज बाजार जाते हैं, बैंक जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, आपको किसी लड़की से डीलिंग करनी पड़ती है,
तो आपके बिहेवियर में क्या चेंज आता है? कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस मौके पे? जी भाई साहब आइए, इनके लिए जोरदार तालियां अल्ताफ राजा जी के लुक अलाइक। सर जैसे कि आपने बताया कि बस में अगर हम खड़े भी रहें जी तो खूबसूरत लड़की अगर आ जाए तो हमें तो नहीं पूछते लेकिन उनको अपने बगल में बैठा लेते हैं। तो आपको इस बात का गुस्सा आता है? आप कुछ विद्रोह करना चाहते हैं? आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए? अगर आप सीट पे बैठे हैं कोई लड़की और एक लड़का आ जाए तो आप किसको बिठाएंगे? लड़की। तो फिर आपको इस बात पे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए? गुस्सा भी आता है ना सर, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि खूबसूरत होने का फायदा उठाती है ना। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपने खूबसूरत होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए लेकिन उतना नहीं उठाना चाहिए। आप भी एक बार ट्राई करो स्कर्ट पहन के मूछें साफ करके, क्या पता आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। मुंबई में सर कहीं जाना हो, एड्रेस किसी से पूछना हो तो बोलता टाइम नहीं, अगर कोई लड़की खूबसूरत पूछे तो उसको छोड़ के आते हैं वहां तक। तो तू ऐसा कर यार, आराधना कर अगले जन्म में लड़की हो बनना। बन। तो आप दिल से चाहते हैं इन सब चीजों में बदलाव आना चाहिए? आना चाहिए सर। कैसे मतलब, अगर आप लड़की रास्ता पूछे तो उसको भी मना कर दें लोग? नहीं, भाईचारा खत्म ही हो जाए। जिस तरह हमको बताते हैं उस तरह उसको भी बताएं। आपको कैसे बताते हैं? टाइम नहीं है जा। ऐसे बोल देते हैं? तो आप किस दिन टाइम निकाल के सारे रास्ते पता क्यों नहीं कर लेते? क्यों पूछते हैं लोगों से आप?